मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हो चुका है और आपको बता दें कि एनडीए की सरकार ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि कयास तेज हैं और मुद्दा भी यही उठता है कि इस बार बहुमत से तो सरकार बनी नहीं है, इसी के चलते दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो गठबंधन है यानी एनडीए और इंडिया, लगातार इसी जोरो आजमाइश में है कि बहुमत साबित हो और बहुमत साबित हो के आने वाले चंद दिनों में सरकार बना ली जाए। उत्तर प्रदेश में इस बार आपको बता दें और दर्शकों को याद दिला दें कि एनडीए को, बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। कारण बड़ा झटका लगने का, क्योंकि इस बार 35 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, मात्र 30 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने साधी है और 7 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साधी है। यानी इसका सीधा मतलब कि इंडिया ब्लॉक के खाते में कहीं ना कहीं इस बार 40 से ज्यादा सीटें जो है वो उनके खाते में गई है। क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटों को साथ लाएं तो इंडिया गठबंधन की वो सीटें बनती है और उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्ष का जो धामा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बुला है। लेकिन एनडीए को इस बार यूपी में बड़ा झटका लगा है और इसी के बीच कहीं ना कहीं जो यूपी की चर्चित सीटें थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, उन पर तो काब देखे खासा बयानबाजी हो ही रही है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस सीट पर बीजेपी जीत के भी शायद हार चुकी है। वो सीट है केसरगंज की, वो सीट है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की, वो सीट है सांसदी पर बैठे थे बृजभूषण शरण सिंह और अब वो सांसदी उनके बेटे को सौंप दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया है जिस बयान के तहत उनका ये कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भले ही हारी है, उनको समीक्षा करने की और जरूरत है, उनको विचार विमर्श करने की और जरूरत है और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जो बीजेपी हारी है उसमें बीजेपी आलाकमान की खासा गलतियां हैं। आपको वो मुद्दा सुनाएंगे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माही से। माही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, केसरगंज में देखिए बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह जीत तो गए हैं लेकिन जीत के भी कहीं ना कहीं वो हार गए हैं। मुद्दा ये उठता है कि उन पर पहले ही आप देखे एक मामला चल रहा है करण भूषण सिंह पे, वो जिस प्रकार से वो बच्चों को उन्होंने रौंदा, और बृजभूषण शरण सिंह पे तो आप देखे मुकदमा चल ही रहा है यौन शोषण मामले का। बीजेपी आखिर किस प्रकार से एक्शन लेती दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आश्रुति, अगर ये चुनाव पहले देख लिया जाए, अगर ये पांचवें चरण में नहीं हुए होते, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद अगर हुए होते तो कहीं ना कहीं करण भूषण की हार पक्की मानी जाती। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चुनाव पहले हो चुके थे, जीत मिली, पार्टी में जश्न भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। क्या उनको जरूरत है इस जश्न की? जिस तरीके से दो बच्चों की मौत हो जाती है और उस तरीके से जश्न मनाना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आश्रुति, आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी खुद मुश्किल में है। अगर वो केसरगंज सीट भी छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 293-92 के वो नियर अबाउट है, अगर वो एक सीट और हार जाते हैं या कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में वो किसी भी तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी केसरगंज में हो या किसी भी सीट पर हो, रिस्क लेना नहीं चाहेगी। हाँ, ये बात हो सकती है कि करण भूषण सिंह को हो सकता है कि उनके ऊपर FIR हो जाए, उन परिवार के साथ जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए, तो ये तमाम तरीके की कवायद निकलकर सामने आ सकती है। अब बृजभूषण शरण सिंह की बात रही, महिला पहलवानों की वजह से वो फंसे हुए हैं, अब उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी नहीं देगी, ये तो तय है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार बृजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार जिस तरीके से विवादों में फंसता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने उस इस बार के हर प्रत्याशी से किनारा कर लिया जो विवादों में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतना तवज्जो देते हुए नहीं नजर आएगी। जो पहले दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, इसका नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी उनका दबदबा जरूर कम कर देगी, ये बात हो सकती है। लेकिन वही अगर पूरा समीकरण देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मुश्किल में अभी किसी तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे नहीं लगता कि ले पाएगी। देखिए, बात कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि मैं अभी जो बयान बृजभूषण का आया, दर्शकों को वो बयान सुनाएंगे, आपने वो बयान सुना है, जिस प्रकार से उस बयान में बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि बीजेपी से इस बार गलती हुई है और समीक्षा करने की जरूरत है, क्या वो अपनी सीट यानी केसरगंज पर कहीं ना कहीं निशाना साध के बोल रहे हैं या बीजेपी आलाकमान पर उनका निशाना है? कहीं ना कहीं आप देखिए कयास इस बात से लगाए जा सकते हैं कि केसरगंज में उपचुनाव की स्थिति जल्द
बन सके, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है वो निशाना कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार और अपनी पार्टी आपने कैसरगंज पर नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर साधा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ करण भूषण सिंह से मिलने पहुंचे तो वहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह मौजूद नहीं थे, और कहीं ना कहीं बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से बयान देते हैं, तो ऐसे में मान लिया यही जाता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और ब्रिजभूषण के रास्ते अच्छे नहीं है, और सीएम बनने की जो कगार में कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह भी लाइन में थे, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को चुनकर उनको दरकिनार कर देना, उनको वो रास नहीं आया, जिसके बाद से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन अगर आश्रुति पूरा मामला आपने जिस तरीके से जिक्र किया, वो ठीकरा इसीलिए फोड़ना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आए। अभी आपने कुछ दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र से एक प्रेशर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, संजय राउत लगातार ये बयान दे रहे हैं, केजरीवाल ने आपने देखा दो महीने पहले ये बात कह दी थी, और फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में ये बात कहते हुए नजर आए कि योगी आदित्यनाथ को खुद उन्हीं की पार्टी दरकिनार करने में लगी है। और इस बार का जो आप चुनाव देखेंगे, कहीं ना कहीं इतनी अहम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हार जाना, कहीं ना कहीं यही निकल कर आ रही है कि पार्टी में कोई भीतरघात हुआ है, किसी ने पार्टी की सारी बातें रणनीतियां जो है वो लीक की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला निकल कर। और सबसे बड़ा मुद्दा आप अयोध्या का देखेंगे, अयोध्या सीट हार जाने से पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं ना कहीं इसमें एक किरकिरी हो रही है अयोध्या वासियों की, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो कैसरगंज को ही लेकर नहीं है, हर सीट को लेकर भी ये पूरा मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए माही, ये बात कहीं ना कहीं एक सच है, और आप देखिए ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनता है कि जिस प्रकार से केसरगंज की सीट जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है, उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये जो बयान सामने आया है, पहले तो दर्शकों को वो बयान अब सुना देते हैं इतने लंबे इंतजार के बाद, कि आप पहले वो बयान सुन लीजिए कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किस प्रकार से बीजेपी पर निशाना साधा, किस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को एक बार फिर से इस बयान में बचाने की कोशिश की, आप सुनिए वो बयान। सबसे पहले मैं देवी पाटन मंडल की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देवी पाटन मंडल राम जन्मभूमि आंदोलन से सदैव जुड़ा रहा है, और इस समय भी देवी पाटन मंडल की जनता ने चार में से तीन सीट दे करके ये साबित कर दिया कि ये राम के भक्त हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या से पुराना नाता है, और भारतीय जनता पार्टी के झोली में से चार में तीन, इसलिए देवीपाटन मंडल की जनता को बधाई है, कैसरगंज की जनता को बधाई है, और छह बार मैं स्वयं, एक बार मेरी पत्नी, बेटा विधायक, फिर बेटा सांसद, ये सब पूरे देवीपाटन मंडल की जनता का आशीर्वाद का परिणाम है। देखिए हम राम के भक्त हैं, देवीपाटन मंडल का सबसे ज्यादा देश के अंदर सबसे अधिक लगाव अगर अयोध्या से है, हनुमान जी से है, राम से है, शिव से है, तो देवीपाटन मंडल। हमने सलाह दे दिया है और वो सलाह बिल्कुल अमल पर है, और पूरे आज जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, करण भूषण सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि एक दिन उनका शेड्यूल आराम का नहीं है, वोट पड़ने से लेकर के और कल तक वो चल ही रहे हैं, आज भी कहीं चलेंगे, जनता और नेता के बीच में गैप होने वाला है, जिसको वो भली भांति निभा रहे हैं। हम कहते हैं देश में कोई सांसद नहीं होगा जो लगातार अपने क्षेत्र में चल रहा हो, और ये नहीं कि कोई उत्सव मना रहे हैं, नहीं, देखिए आप अंतर, तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना, ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ, लेकिन जहाँ 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवीपाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है, ये समीक्षा का विषय नहीं है, तो संसद यही कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलेंगे, हमारे पास बहुत काम है, जैसे बच्चों के लिए हम
करियर काउंसलिंग का काम करते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में काम करते हैं, वृक्षारोपण के संबंध में काम करते हैं, खेल कूद के संबंध में काम करते हैं। हम खाली कहाँ, हमारे पास बहुत काम है। मोदी जी वर्तमान में ना, मोदी जी उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए विपक्ष को मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही। क्यों मिली है ये समीक्षा का विषय है, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन मोदी का विकल्प अभी नहीं किसी के पास, और ना भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। दुर्भाग्य होगा वो, ये अभी तक इनका नेता ही निश्चित नहीं है। नेता मैं पहले से कह रहा हूं, ये नेता चयन में ही सरपटोवल हो जाएगी इनकी, नेता चयन में सरपटोवल हो जाएगी। अरे कल तो देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, इनकी अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, प्रधानमंत्री की बात गृह मंत्री नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री नहीं मानेगा। पहले तो इसी के लिए मार होगी कि बनेगा कौन, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अभी इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, उनको परिपक्व होने की जरूरत है। जनता ने बहुत ज्यादा दे दिया, वही मजबूत विपक्ष का ही निभावें, और कोई रास्ता नहीं है, वही निभावें और अच्छे से निभावें, थोड़ा ठीक ठाक निभावें, देश को जरूरत है मजबूत विपक्ष की। तो सुना आपने कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा निशाना अपनी पार्टी पर साधा, सीधा निशाना बीजेपी आला कमान पर साधा। डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुद्दे पर तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बेमुद्दे जिस तरह से वो बातों को घुमा रहे हैं, उनका कहना है कि केसरगंज की सीट पर जो एक सांसद सुबह से रात तक लगातार जद्दोजहद कर रहा है, वो उनका बेटा करण भूषण सिंह है। शायद बृजभूषण शरण सिंह भी ये बात भूल चुके हैं कि आखिर उनका बेटा किस गहरी समस्या, किस गहरी मुसीबत में फंसा हुआ है, और उन पर आखिर कितने गंभीर मामले चल रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह पर जिस प्रकार से यौन उत्पीड़न का ये महिला पहलवानों के आरोप का मामला चल रहा है, ये आने वाले समय में क्या बृजभूषण शरण सिंह को मुसीबत में ढाएगा, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या उनके बेटे के खिलाफ अब यूपी का पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता नजर आएगा या नहीं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।